आज आप लोगों ने पूछा कि गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु कैसे बनाना चाहिए, गुरु की क्या खास बातें हैं, उसको सोच समझ के कैसे बनाए। तो देखिए, आजकल गुरुओं की भरमार है। गुरु बनाने का मतलब यह है कि आप बिना तनख्वाह पाए उसके सेवक बन जाओ और उसके आदेशों का अनुपालन करो और उसको उस पर खर्चा करो, उसकी सेवा करो और उसी के अधीन हो जाओ। तो ऐसा बढ़िया सौदा कहाँ मिलेगा। लेकिन ये शिष्यों का दायित्व है कि गुरु सोच समझ कर बनाए। बहुत बड़ी दाढ़ी रखाने से, गेरुए कपड़े पहनने से अथवा बहुत बड़ा आश्रम हो जाने से, बहुत शिष्य हो जाने से, बहुत बड़ी राजनीतिक पहुंच हो जाने से, बहुत बड़े बड़े नेता आईएएस आईपीएस अफसरों के वहां जमघट लग जाने से इसका कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर आम आदमी की समस्या है कि हम गुरु को कैसे पहचाने, हमें सही गुरु कैसे मिले, गुरु कैसा होना चाहिए। तो इसके बारे में पहले मैं आपको एक दो कहानी सुनाता हूँ छोटी छोटी, फिर इसका विवेचन करूंगा कैसा होना चाहिए। एक गुरु के बारे में छोटा सा दृष्टांत है कि किसी राजकुमार प्रिंस वो कहीं शिकार उकार खेलने गया था, आभूषण पहने था, घोड़े पर सवार था, घोड़े की जो होती है बज्जीन उसमें बैठा रहता, वो भी हीरे पन्ने मोती माणिक से सजी हुई थी, बहुत धनवान था वो, उसका बॉडीगार्ड भी थे, वो किसी शिकार का पीछा करते हुए वो बिछुड़ गए और वो ऐसी जगह पहुंच गया जहां बदमाश थे। तो बदमाशों ने उसे पकड़ लिया और उसके सब आभूषण छीन लिए और घोड़ा घोड़ा सब वो हासिल कर लिया, जीन वीन सब उतार ली और उसे मारने को आमादा हो गए। उसने कहा, भाई मैं राजा का लड़का हूं। तो उन्होंने और इस बात का बुरा असर पड़ा कि राजा है तो मरवा देगा भाई, ये हमें मरवा देगा, लिहाजा इसको मार दो। लेकिन बदमाशों में भी कोई कोई भला हो जाता है। तो उसने कहा, भाई मारने से क्या फायदा, इसका सब सामान तो ले लिया, अब पहचाने की बात है तो इसकी आंख फोड़ दो, तो कैसे पहचाने। लिहाजा उसकी आंख फोड़ दी गई। अब वो भटक रहा था बेचारा, दर दर मारा मारा फिर रहा था, आंखों से खून निकल रहा था, नष्ट भ्रष्टा हो गया था बेचारा। तो वहां एक तथा कथित गुरु मिल गए, महात्मा। तो उसने कहा, क्या बात है बेटा, मतलब एक बात ये तुमको दिख ही रही है कि इस तरह से बदमाश होने में। तो उसने क्या कहा, अच्छा एक काम कर, क्या चाहता है कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। ठीक, ये जो सांड है इसकी पूछ पकड़ ली, ये तेरे घर पहुंचा देगा। तो उसने उसके कहने से उसकी पूछ पकड़ ली और जब पूछ पकड़ ली तो उस सांड भागा तो कभी उसमें लात मारे, कभी सींग मारे, कभी जो है वो खिचड़ के भागे तो खिचड़ा जा रहा है, कहीं ठूंठ मिले उसमें चिड़ा जा रहा है, फटा जा रहा है, बेचारा नष्ट भ्रष्ट हुआ जा रहा था और उसे लेके भाग रहा था। लेकिन उसे इसलिए नहीं छोड़ रहा था कि मेरे गुरुजी ने कह दिया है कि मुझे घर पहुंचा दे। अब कोई बड़ा अच्छा एक महात्मा और रास्ते मिला, उसने कहा, अरे बेटा तू क्या कर रहा है, ये तेने क्यों पकड़ रखा है सांड की पूंछ।
कि ये मेरे गुरु जी ने कहा है, ये मुझे पकड़ाई है और ये मुझे मेरे घर पहुंचाएगा। उसने कहा रुक जा भाई, इसे छोड़ दे, नहीं छोड़ूंगा, गुरु जी ने कहा ये घर पहुंचाएगा। उसने कहा भाई घर इसने तेरा देखा है कि नहीं? घर तो उसने देखा, तो तुझे कैसे पहुंचा देगा? हाँ ये बात तो ठीक, छोड़ इसकी पूछ, मैं पहुंचाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने उसकी पूछ छुड़वाई और उसे लेकर के, उसका आता पता पूछकर उसके लेकर के उसके घर पहुंचाया और अपने योग बल से उसने उसको नेत्र भी प्रदान किया। तो दो गुरु मिले ना, एक गुरु मिला पूंछ पकड़वाने वाला, एक गुरु मिला जो घर पहुंचाने वाला और दृष्टि देने वाला। तो आजकल जिन्होंने परमात्मा के दर्शन ही नहीं किए, जिन्होंने ईश्वर देखा ही नहीं, जिनके खुद के आचरण ठीक नहीं, जिनको न कोई ज्ञान है और राजनैतिक संबंध बनाकर नेता वेता आने लगे, ऑफिसर्स आने लगे, बहकावा करने लगे, ड्रामा बनाने लगे, नाटक बनाने लगे, बड़ा आश्रम बना लिया और बाबा जी और दो चार चेले पाल लिए और तारीफों को बुलंदे बाद रहे हैं। और गुरु हो जाते हैं ऐसे पूछ पकड़ाने वाले, क्योंकि उन्होंने वो खुद ही नहीं देखा जिसे वो जिसे तुम्हें चाहे, जहां जिस उद्देश्य के लिए आप गुरु बनाना चाहते हो, उन्होंने स्वयं उद्देश्य पूरा नहीं किया तो आपको क्या करा देंगे। तो गुरु ऐसा होना चाहिए जिसने वो लक्ष्य हासिल कर लिया हो, यह है गुरु जी का जैन के बारे में। अब हम शास्त्रीय विचार पर आते हैं गुरु के बारे में कि गुरु होना चाहिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। कैसा? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। और श्रोत्रिय कैसा होना चाहिए? श्रोत्रिय माने सभी शास्त्रों का जानकार, जितने हमारे आध्यात्मिक शास्त्र हैं, जो हमें भक्ति ज्ञान योग की उपलब्धि करा देते हैं, वो सभी शास्त्रों का उन्हें ज्ञान होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, उसके अंदर ऐसी क्षमता होनी चाहिए जो शिष्य की प्रत्येक शंका का समाधान कर सके। उसने कोई बात बताई, कोई सिद्धांत बताया और शिष्य ने उसमें तर्क वितर्क किए, शंकाएं की, तो उसका वो समाधान कर सके, उसको संतुष्ट कर सके कि हाँ भाई ये बात ठीक है, ये सिद्धांत जो बता रहे हैं ये ठीक है। वो तर्क पर उतरना चाहिए, वो प्रमाणित बात होनी चाहिए, सत्य के सत्य से मतलब वो तली होनी चाहिए बात, सत्य परख। और इस संबंध में शिष्य द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के प्रश्न का सही सही उत्तर और शंकाओं का समाधान कर सके, उसे श्रोत्रिय कहते हैं। एक इंग्रेडिएंट हो गया श्रोत्रिय और दूसरा हुआ ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मनिष्ठ का मतलब है जो ब्रह्म ज्ञान को यथार्थ रूप से जानता हो, उसमें विचरता हो, आनंद लेता हो, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, प्राण क्या है, शरीर क्या है, सृष्टि क्या है, इनके आपस में तुमसे संबंध क्या है, इसका भली प्रकार ज्ञान होकर वो उस इन सभी सिद्धांतों से अपने वो समाधान कर लिया हो और समाधान करके उपराम हो गया हो और उस आनंद में वो वर्तता हो, राग द्वेष से उठ गया हो, न किसी से राग है न किसी से द्वेष है,
अनपेक्ष हो, पवित्र हो, दक्ष हो। दक्ष कहते हैं कि जिस कार्य के लिए आया है उसे पूरा कर चुका हूं। और जगत से उदासीन हो और सभी व्यथाओं से दूर हो, उसका आरंभ, उसके कर्मों का आरंभ स्वाभाविक होता हो। इस तरह के जिसके अंदर गुण हो, जो आत्मा राम हो, आत्मा में ही रमता हो, ज्ञान के मर्म को पहुंचा हुआ हो, योग के तात्पर्य को अच्छी तरह जानता, अगर योग मार्ग से चलाया तो उसको योग सिद्ध हो, भक्ति मार्ग से चलाया तो उसे भक्ति नहीं वो आनंद ले रहा हो, अगर ऐसा है तो ही वो गुरु करने योग्य है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। अब कुछ लोगों की अलग अलग विचारधारा है। कोई कहता है कि गुरु ब्राह्मण होना चाहिए, कोई कहता है संत होना चाहिए, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। पहले तो ब्राह्मण की परिभाषा लोग जाने, ब्राह्मण है क्या? ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण शब्द का शब्द विक्षेद करिए आप, ब्रह्म धन अन्न ब्राह्मण, अन्न का जो वैदिक संस्कृति में अर्थ है उसे कहते हैं प्राण, अन्न माने प्राण। तो ब्राह्मण, ब्रह्म धन प्राण, जिसके प्राण ब्रह्ममय हो, और अगर उसकी ब्रह्म वृत्ति हट गई तो वो प्राण छोड़ दे, हर सांस में उसको ब्रह्म की स्मृति रहे। ब्रह्म के तात्पर्य को ठीक ठीक जानता हो, उसमें रमता हो, उसके व्यवहार में हो, उसके आचरण में हो, जो ब्रह्म को जानता हो वो ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण शब्द में बड़ा ही चर्चा है, बहुत कुछ नहीं कहना चाहता। ब्राह्मण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, मैंने चारों वर्णों की सृष्टि की है गुण और कर्म के आधार पर, न कि जात के आधार पर। चतुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म के आधार पर यह वर्गीकरण है। जो सोसाइटी में, जो समाज में विद्वान है, आत्मज्ञान है, समाज को दिशा देने वाला है, समाज की प्रगति करने में उसका विचार जो है वो अनुकरणीय है, विचारधारा समाज को ठीक ठीक दिशा देता है, वो ब्राह्मण है। जो बलशाली है, समाज की रक्षा करने में सक्षम है, वो क्षत्रिय है। जो समाज का भरण पोषण करने के लिए धनार्जन करता है, जो व्यवस्थाएं करता है, वो वैश्य वर्ग है। और जो इन तीनों में असमर्थ है, न बेचारे में धनोपार्जन की सामर्थ्य है, न उसमें क्षत्रियता का बल है,
ना उसमें ब्राह्मण जैसी बुद्धि है, तो वो किसी से कमजोर नहीं है, वो उनकी सेवा करता है, वो शूद्र है। अब शूद्र जो शब्द है ये कोई नीच ऊंच का मामला नहीं है, ये सभी कौमों में है, सभी कौमों में, सभी जातियों में शूद्र वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण है। ये जातगत जो द्वेष फैला रखा है, लोगों ने बहका रखा है कि साहब वो फला कौम फला के बच्चे हैं तो वो शूद्र हैं, फला के बच्चे हैं तो वैश्य हैं, फला के बच्चे हैं तो क्षत्रिय हैं, फला के बच्चे हैं तो वो ब्राह्मण है, बिल्कुल नहीं। ये कुछ पूर्व में ब्राह्मणों ने मोहवश अपने बच्चों के हितार्थ अपनी संतति आने वाली संततियों को सम्मान दिलाने के लिए इस प्रथा को जातिता के आधार पर मान दिया, जो नितांत गलत है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं कि ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण होगा, जाति के आधार पर और जन्म के आधार पर कोई ब्राह्मण शूद्र वैश्य और क्षत्रिय नहीं। जन्म पर सभी शूद्र हैं, फिर उसकी विद्वता, उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ्य, उसकी योग्यता पर ही विभाजन गुण और कर्म के आधार पर होना चाहिए। हो सकता है ब्राह्मण जातियों वालों को यह बुरा लगे जो मैं कह रहा हूं, तो लगे तो लगे, जो सही है वो सही है। और अगर इतने ही उनको इस बात का गर्व है और लोग मायावती को शूद्र बताते हैं, तो उनके पैरों में क्यों पड़े थे, क्यों उनके तलवे चाट रहे थे? वो जब बैठती थी उस पर कुर्सी पर, तो मैंने उनको नीचे बैठे उनके तलवे चाटते देखा है, तब उनका ब्राह्मण तो कहां गया? और वो कैसे मानी जाएंगे कि वो शूद्र हैं? अरे शासक हैं, राजा है, तो क्षत्रिय हुआ वो, और तुम उनके सेवक हो तो तुम शूद्र हुए जो ब्राह्मण ब्राह्मण चिल्लाते फिर रहे हो। तो इस तरह का मानना कि किसी जात विशेष को आप शूद्र कहें, ये बहुत सामाजिक बुराई है। प्रत्येक जाति के अंदर शूद्र है, प्रत्येक जाति के अंदर वैश्य है, प्रत्येक जाति के अंदर क्षत्रिय है, प्रत्येक जाति के अंदर ब्राह्मण है। ये विभाजन किसके आधार पर होना चाहिए? गुण और कर्म के विभाग पर है ही। तो जातगत कोई शूद्र नहीं है और जातगत कोई ब्राह्मण नहीं है, जातगत कोई क्षत्रिय नहीं है, जातगत कोई वैश्य नहीं। तो बात आ रही थी कि ब्राह्मण गुरु होना चाहिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं, ब्राह्मण ही गुरु होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण जाति से नहीं हो, ब्राह्मण गुण और कर्म से हो, किसी भी जाति का क्यों। तो ऐसा गुरु ही गुरुता की योग्य है। अब एक मामूली किसान जो बेचारे मैले कुचेले कपड़ों में रहता है, उसको दाढ़ी नहीं बनाता है, बाल उग रहे हैं, गंदा चेहरा है, लेकिन परिश्रम कर रहा है ईमानदारी से और भगवान का भक्त है, वो उन
सियारों से अच्छा है उन भगवाधारी वस्त्रों को पहने हुए, उन सियारों को जो सिर की खाल पहने हैं और अपने आचरण में ठीक नहीं है, और समाज में लोभ, बस समाज का शोषण करते हैं, चेला चेली पाल करके अनैतिक आचारों में उनका धन का अपहरण करते हैं, उनको भावनात्मक उनका शोषण करते हैं। मैं ऐसे उन लोगों को धिक्कारता हूं, उनको अपने वस्त्र की लाज नहीं है। ये भगवान शिव का रूप है, या तो कोई इसको धारण करे नहीं, और करे तो कम से कम अपने वस्त्र का तो ध्यान रखे, लाज रखे। अब लाज कैसे रखनी चाहिए इसके बारे में मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूं। एक राजा के दरबार में एक वो जो बहरूपिया होते हैं, बहरूपिया गया और बोला महाराज की जय, और महाराज के गुणगान यशोगान किया, बड़ा लंबा चौड़ा उसमें भाट नहीं होते, उनके पुरखे ये थे, उनका बाप ये थे, उनका ये था, इनका इतना यश है और उन्होंने ये कर रखा है, वो कर रखा है, तारीफ के पुरंदे सच्चे झूठे सब मिला के गाता रहा। राजा बड़े गौर से सुना, उसका स्वांग देखता रहा कि क्या स्वांग कर रहा है। अब उसने मांगा इनाम, महाराज मेरा इनाम। उन्होंने जो थोड़ा सा उन्हें कुछ पैसा देता दिया और उससे कहा कि भाई तू स्वांग तो बहुत अच्छा करता है, लेकिन तू किसी संत का स्वांग करके दिखा, संत का। बोले ठीक है महाराज। अब उसने संत का स्वांग करने के लिए वो बिल्कुल विलुप्त हो गया, चला गया, और 6 महीने 1 साल तक वो अलग रहा, राजा की निगाहों से अलग रहा। और फिर 1 साल बाद राजा के नगर के पास ही एक लंगोटी बांध के गर्मी के वक्त में और एक पेड़ के नीचे बैठ गया और कुछ पैसे बिखेर लिए, नोट वगैरह बिखेर लिए, और त्याग करने का उसने ढोंग किया। महात्मा का वेश धारण कर लिया और कुछ पैसे बिखेर के नोट वोट बैठ गया। अब वो दाढ़ी रखा ली उसने और महात्मा का वेश धारण कर लिया, तो लोग श्रद्धावश उनके पास आए, विश्वास और श्रद्धा से उनको कुछ दान दक्षिणा करना चाहे तो मना कर दे कि ना 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 कोई दान मत करना, मैं दान नहीं लेता, ये ले जाओ। वो ले ही ना, लोग देने का भरतक प्रयास करें दान देने का प्रयास, भाई इनमें से ले जाओ तुम, यहाँ जितने क्यों फेंक गए लोग, मैं नहीं इसको छूता नहीं। अब उसके त्याग की चर्चा बहुत दूर तक होने लगी, पूरे राज्य में उसके चारों साथ एक महात्मा ऐसा आया, बड़ा त्यागी, बड़ा जबरदस्त संत, बड़ा ऊंचा महात्मा आया हुआ है। अब ये सब सूचना पहुंचते दरबार में पहुंची तो उनके जो बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी थे वो भी दर्शनों के लिए आए, उन्होंने भी प्रयास किया कुछ दान दक्षिणा करने का, नहीं लिया किसी से कोई दान दक्षिणा नहीं। उन्होंने और तारीफ की, ये बात रानी साहब के पास पहुंच गई तो रानी महारानी जो थी वो बोली भाई ऐसा महापुरुष आया तो भी दर्शन करें उसके। उन्होंने राजा से विनय की, महाराज अगर आप हमें आज्ञा दें तो ऐसा कोई महापुरुष आया हुआ हमारे इतना त्यागी पुरुष को कुछ भी दान दक्षिणा करे वो नहीं लेता, किसी की सेवा भी स्वीकार नहीं करता। और इस बारे में चर्चा की जानकारी राजा को भी थी कि हाँ कोई ऐसा महात्मा आया तो है, तो उन्होंने कहा ठीक है रानी तुम चली जाओ दर्शन करने। तो वहां सब VIP व्यवस्था की गई, वहां से वहां तक सैनिक लगाए गए, सड़कें बनवाई गई,
और पूरा सुरक्षा घेरा बनाया गया बड़ा लंबा चौड़ा, उसमें रानी बहुत कुछ दान दक्षिणा के लिए लेके गई, वस्त्र फल फूल और हीरे जवाहरात धन दौलत और सफियां लेके गई। उन्होंने उसे देने का प्रयास किया, उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि महारानी मैं लेता नहीं, मुझे आप इसके लिए बस मत करो, मैं संत हूं, संत को इससे क्या लेना देना, मैं नहीं। उसने अपना नौ लखा हार उतार के उसके रखा कि नहीं मैं नहीं लूंगा देनी, आप जाओ। उन्होंने कहा मैं श्रद्धा से विश्वास से और देने आई हूं आपको, मेरी श्रद्धा स्वीकार कर दो, कि नहीं नहीं आप किसी और को देना, बाल बच्चों बांट दो, आप इंस्टीट्यूशन करो, देश का हित करो, मुझे नहीं लेना। रानी बड़ी चकित हुई कि देखो कितना त्यागी पुरुष, मैं इतना इनसे आग्रह कर रही हूं तो भी ये नहीं ले रहा है, वास्तव में ये कोई बड़ा संत है। ये जाकर के चर्चा उसने रानी ने फिर राजा से करी, तो राजा भी दर्शनों के लिए आया और राजा भी बहुत कुछ दान दक्षिणा के लिए खजाने से बहुत सामान ढेर सारा सामान लेके आया। तो राजा की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख रहा है, बैठा वो आ गया पैरों पड़ा, कुछ नहीं कोई मतलब नहीं होगा राजा। उसने दान देना चाह मना कर दिया कि मैं दान लेता ही नहीं, मैं राजा हूं मैं दे सकता हूं, तो भाई मैं नहीं लेता राजा, तुम मना रहे मुझे क्या करना है तेरे राज्य से, कहता तो मैं तुम्हें राज आधा राज दूंगा। अरे भाई मुझे नहीं चाहिए, तू जा यहां से, तू मेरा जो है भंग मत कर, मेरा साधन मत खराब कर, मेरा मेरा वैराग्य खराब हो जाएगा, तू मुझे लालच लो में मत फांसे, तू जा यहां से जा। राजा ने खूब प्रयास कर लिया दान दक्षिणा के लिए, स्वीकार नहीं किया, करोड़ों करोड़ रुपया देने को, धन दौलत देने को उसने प्रयास किया, नहीं किया। राजा चलाया। अब दूसरे दिन वो वही बहुरूपिया के कपड़े पहन के प्रकट हुआ दरबार में, बोला महाराज की जय हो, महाराज मेरा इनाम। काय कहना कि आपने कहा था संत का स्वांग, तो मैं ही तो वो संत था जिसको आप करोड़ों करोड़ों रुपए दे रहे थे, आधा राज देने को राजी थे, रानी जो है नौ लखा हार देने को आई थी और दुनिया भर का दिया था, मैंने किसी से नहीं दिया। उसने कहा तू बड़ा मूर्ख है राजा ने, अरे हम तुझे करोड़ों रुपए दे रहे थे, राजा राज दे रहे थे, तब तेने वो लिया नहीं, अब तू ये दो रुपए के इनाम के लिए तू मांग रहा। तो उसने क्या कहा कि महाराज मेरे दो रुपए उन करोड़ों रुपए से अच्छे, क्यों अच्छे कि उसमें संत पने की लाज चली जाती, जो संत पना था जो वस्त्र पहन रखे थे उसकी लाज चली जाती अगर मैं कर लेता, मेरे लिए यही श्रेष्ठ। तो ये संत का स्वांग इन दुष्टों से जो इस तरह का वेश धारण करके भी शिष्य बना बना के शोषण कर रहे हैं और आचरण विहीन है, समाज को गलत दिशा दे रहे हैं, न समाज के उत्थान में उनका कोई योगदान है, न राष्ट्र के लिए कुछ जो हासिल कर रहे हैं उसमें से राष्ट्र को कुछ देते हैं, न समाज को दिशा देते हैं। और कभी कभी तो ये देखा गया है कि जब ये लोग एकता होती है हिंदुओं में और समाज में, हिंदू मुस्लिम एक होते हैं या सवर्ण हिंदू एक होते हैं, तो ऐसी ऐसी बात कहते हैं जिससे उन्होंने विद्वेष भर जाता है, जातगत विद्वेष धर्मगत विश्वेष विद्वेष पैदा होता है। जैसे कहेंगे मंदिर में
शूद्रों का प्रवेश वर्जित है। अरे भाई शूद्र क्या क्यों वर्जित है? क्या उनका शरीर नहीं है? तेरा शरीर क्या वहां से अलग तरीके से आया है? इससे कोई मतलब नहीं है, उन्हें अपनी रोटी सेकनी है। इससे जो इनकी एकता थी वर्णगत एकता को तोड़कर उस वर्ग को उन्होंने नाराज कर दिया, इससे कितनी शक्ति घटी। इसका मतलब है वो छिपे हुए भेड़िए इस देश की राष्ट्रीय एकता को भंग करते हैं। उन्हें इस बात से कुछ लेना नहीं। अरे सर्वधर्म संभाव की बात की जाए, ठीक है, कहीं कहीं अनपढ़ लोग, मूर्ख लोग वो इस्लाम के आधार पर भटके हुए, गलत तरीके से उनको ट्रेंड किए हुए, वो लोगों में मार काट की भावना, द्वेष की भावना पैदा करते हैं। खास तौर से ये मौलवी जो ईदगाहों में और मदरसों में बैठे हैं, उनको गलत शिक्षाएं दे करके उनका मनोभाव खराब कर देते हैं और उन्हें आतंकवाद सिखाते हैं। मानव मानव में विद्वेष का उनमें रंग भर देते हैं। अरे भाई ऐसे ही हिंदू, ऐसे ही मुसलमान, वो भी उन काटो तो उन्हें लाल खून उनमें निकलेगा, लाल खून इनमें निकलेगा। और मान लिया तुम इन्हें इनकी तादाद बढ़ाकर इनमें ज्यादा विष भर करके इन्हें तुम बहुत ही बड़ा कर दोगे और इन्हें छोटा कर दोगे दूसरों के, तो क्या लाभ हो जाएगा? मान लिया कि मुसलमान राज ही हो जाए, तो जिन जिन देशों में मुसलमान राज हो रहा है वहां के मुसलमान कितने सुखी है देख लो। आज पूरे विश्व में हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान है उस सर्वाधिक सुखी हैं। उन्हें बोलने का अधिकार, उन्हें कर्म करने का अधिकार, उन्हें नमाज का अधिकार, उन्हें हर तरह के अधिकार आप प्राप्त हैं। हिंदू हायर कास्ट और संपन्न लोग वो कमा कमा करके टैक्स भर रहे हैं और ये बच्चों की फौज पैदा करके उस टैक्स का ये खा के लाभ उठा रहे हैं। कमा हिंदू रहा है और खा मुसलमान रहा है, टैक्स हिंदू दे रहा है और फायदा वो बच्चों की लाइन लगा करके और अपने गरीब दिखा कर, गरीब हैं वास्तव में, गरीब हैं, उनकी सोच गरीब है, उनके कार्यकलाप गरीब है और इस गरीबी के कारण ये मौलवी लोग हैं जो उन्हें गलत शिक्षा दे करके न तो शिक्षित होने देते हैं, न उन्हें अधिकारी होने देते हैं, न उनके वैज्ञानिक होने देते हैं, उनके अंदर आग भर देते हैं। तो ऐसी गलत शिक्षाएं दे दे करके एक ऐसा वर्ग खड़ा कर रहे हैं कि साहब जिहाद जिहाद छेड़ी, कभी किसी को काफिर कहते हैं, कहीं जाहिर जिहाद वो कहते हैं। अरे भाई तुम पागल हो गए हो, क्यों प्रेम से नहीं रहते? अगर मान लिया कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग ही हो जाए, हिंदू लोग इन्हें काम देना बंद कर दें और इन पर सरकारी नौकरी है नहीं, इनके व्यवसाय ठप हो जाएंगे, इन्हें कोई काम देगा नहीं तो भूखे मर जाएंगे, इनके सब कारोबार ठप हो जाएंगे, तो क्या होगा? तो क्यों ऐसी परिस्थिति पैदा कर रहे हो भाई? क्यों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो? क्यों प्रेम से नहीं रहने दे रहे हो इनको? क्यों एक दूसरे की भलाई, एक दूसरे की हेल्प करने की शिक्षा क्यों नहीं देती हो? सब में प्रेम क्यों नहीं भरते हो? तुम इनमें दुश्मनी के बीज क्यों बो रहे हो? तुम यहां इतने चैन से रह रहे हो, यहां तुम्हें रहना आखर रहा है क्या?
एक बार इस देश का विभाजन हो गया हिंदू मुस्लिम के आधार पर, तो क्या इस देश को फिर कमजोर करके मुसलमान देश बनाना चाहते हो? क्या ये बात हिंदुओं को मालूम नहीं है? तो अपनी सोच समझ को ठीक करें। और ये जो गुरु बने बैठे हैं मौलवी, ये गुरु नहीं है, इस समाज के दुश्मन है, मुस्लिम समाज के दुश्मन है। इनको अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा आचार व्यवहार, प्रेम सद्भाव नहीं सिखा सकते क्या? क्या जहर भरना जरूरी है? क्या विद्वेष भरना जरूरी है? क्या होगा इससे? इससे व्यवसाय ठप हो जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। तो ऐसी नफरत न बोएं ये लोग, और प्रेम से रहें। ऐसे ही कुछ लोग हिंदुओं में भी हैं जो अनावश्यक ऐसी बात करते हैं, मार काट की बात करते हैं और धर्मगत जातगत विद्वेष फैलाते हैं। उनको भी ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। सब भाईचारे प्रेम से रहें, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो गुरु न तो मौलवी अच्छा है और न ये रंगे हुए सियार अच्छे हैं। गुरु वो हो जो शिष्य जिस उद्देश्य के लिए आया है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे रास्ता दे, उसको शिक्षा दे और उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाएं। और जिस किसी में भी इस गुरुता की सामर्थ्य न हो वो कदाप किसी को शिष्य न बनाए। वो खुद तो भटके हैं ही, उनको भी न भटकाए। इससे बेहतर है कि खुद शास्त्रों को पढ़ो, धर्म शास्त्रों को पढ़ो और इन शास्त्रों को ही गुरु मान लो, उस परमात्मा को गुरु मान लो और शास्त्रानुरूप चलो। एक दूसरी बात और भी है, देखिए प्रत्येक प्राणी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से आवृत है। तो कोई अच्छा गुरु भी मिल गया आपको और कदाचित किसी कारणवश प्रारब्ध बस उसमें तमोगुण वर्त गया और वो दुराचरण में लग गया, तो गुरु के प्रति जो निष्ठा है शिष्य की वो बिगड़ जाएगी। उसमें दोष दर्शन गुरु में करेगा तो उसकी श्रद्धा और विश्वास डगमगा जाएंगे, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। रजोगुण बढ़ गया तो तमो सतोगुण से दूर हो गया तो भी ठीक नहीं। इसलिए गुरु का चयन बहुत सोच समझ करके ही करना चाहिए, क्योंकि गुरु में अश्रद्धा और अविश्वास उसके लक्ष्य में नहीं पहुंचने देगा और उसका सारा परिश्रम श्रम और समर्पण बेकार जाएगा। तो मैं इस मामले में सिखों को ठीक मानता हूं कि उन्होंने जो अपना वो गुरवाणी है ना, क्या कहते हैं उन्हें, हाँ वो शास्त्र जो है जिसको पढ़ते हैं उसको गुरु बनाया। अब जो लिखा हुआ उसमें क्या आचरण होना है, क्या सत्वगुण रजोगुण तमोगुण बरतना है, तो उसमें अच्छाई अच्छाई लिखी है तो उसको फॉलो करते हैं। और सिखों की एक बात बहुत अच्छी है कि देखिए वो समाज के लिए गुरुद्वारों में मुफ्त भोजन व्यवस्था कराते हैं, समाज सेवा तो कर रहे हैं, राष्ट्र सेवा कर रहे हैं, लेकिन कुछ सिर्फ रे लोग उनको भी भ्रमित कर रहे हैं। उनके अंदर एक षड्यंत्र के तहत, विदेशी साजिशों के तहत उनके मन को भी खराब कराया जा रहा है कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम सिख हो। अरे इनका ओरिजिन, इनकी उत्पत्ति हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हिंदू ही सिख बने हैं और उनका मूल कार्य इस सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए है। और ये इस अपने मूल ओरिजिन को छोड़कर और
ये कह रहे हैं हम तो सिख हैं हिंदू नहीं है। तो इस तरह की जो भेद नीति डाल डाल करके लोग समाज को विकृत कर रहे हैं, ये बड़ी विडंबना है। और कुछ समय बाद समझदार लोग इसको समझेंगे, इस साजिशों को समझेंगे, और ये सिख है, जैन है, हिंदू है, एक ही है सब, लेकिन इनमें ये जो अलग अलग धर्म की परंपरा बना बना कर इनमें आपस में लड़ाकर कहीं जातगत लड़ा रहे हैं, कहीं धर्मगत लड़ा रहे हैं, कहीं अलग अलग ब्रांचेज कर रहे हैं, ये सब विदेशियों का साजिश है। और लोग हमारे हिंदुस्तान को, हमारे राष्ट्र को कमजोर करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम का फर्क डालकर हमारे राष्ट्र को कमजोर करना चाहते हैं। सिख, जैन और हिंदू में फूट डालकर अलग अलग धर्म क्यों कर रहे हैं? जैन जैन कहते हैं हमारा धर्म श्रेष्ठ है, सिख कहते हैं हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हिंदू कहता है हमारा श्रेष्ठ। अरे तुम एक ही हो भाई, अलग हो ही नहीं। ये मानसिकता तुम्हारे अंदर पैदा की गई है। तो इस तरह से इन गुरुओं का दायित्व है, इन गुरुओं का दायित्व है कि समाज को सही दिशा दें। कुंभ जो होते थे, कुंभ, वो कुंभ इसलिए लगाए जाते थे कि हमारे जो सर्वमान्य जो धर्म के आदर्श संत लोग थे, वो समाज की दशा को समझकर इसमें क्या अमेंडमेंट करना चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए, मान्यताओं में क्या बदलाव करना चाहिए, परिस्थिति, देश, काल, पात्र के हिसाब से एक ही बात, एक ही सिद्धांत हमेशा प्रासंगिक नहीं होता। उनमें क्या बदलाव किया जा सकता है, समाज को कैसे दिशा दे सकते हैं हम, उनमें क्या क्या अमेंडमेंट कर सकते हैं, इसलिए कुंभ होते थे। विशेषकर शंकराचार्यों का ये दायित्व था। आज शंकराचार्य भी एक नहीं है, उनमें दंगम दंगा है, मैं श्रेष्ठ के, मैं श्रेष्ठ। अरे तुम श्रेष्ठ श्रेष्ठ का जो अभिमान पाले फिर रहे हो, अगर ये अभिमान है तो तुम्हें कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। अहंकार रहित होना श्रेष्ठ है। अब आश्चर्य यह है कि हिंदू धर्म के ये स्तंभ हैं और हिंदू धर्म को ये दिशा नहीं दे रहे। राष्ट्र की एकता में, राष्ट्र के विकास में इनका कोई योगदान नजर नहीं आता। कितना चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, कितना लोगों से दान ले रहे हैं, कितना जो है पैसा ये दुनिया भर के आश्रम इकट्ठे हो रखे हैं, क्या उनके निजी पेट भरने के लिए लोग दान करते हैं? दान कोई क्यों देता है, इस बात पर विचार करना चाहिए। दान देने के दो तीन कारण हैं। एक कारण तो एक धन, दान जो धन की गति तीन है, दान, भोग और नाश। और यही संत लोग, ये कथावाचक खुद दान ग्रहण करने के लिए लोगों में ये प्रवचन करते हैं कि साहब ध्यान देना चाहिए, दान देना चाहिए, और खुद दान नहीं देते, खुद दान ले रहे हैं, त्याग का भाषण दे रहे हैं और दान का इकट्ठा कर रहे हैं। ये क्या समाज को विफूल नहीं कर रहे हैं? समाज को मूर्ख समझते हैं क्या? भाई तुम एक तरफ त्याग का भाषण कर रहे हो और दूसरी तरफ दान ले रहे हो, चलो ले भी लिया कदाचित, तो इसका उपयोग क्या कर रहे हो आप? राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, विकास के लिए तुम्हारा कहां योगदान है? और मैं कहता हूं इन सभी संतों से, तथाकथित संतों से, कि वो अगर समाज से कुछ ग्रहण कर रहे हैं तो समाज को कुछ देना भी सीखे। संतों को क्यों आवश्यकताएं पड़ गई दान लेने की? अगर ये दान के इच्छुक हैं तो क्यों संतपना इन्होंने स्वीकार किया, क्यों संन्यास ग्रहण किया, क्यों इन्होंने वैराग्य धारण किया?
संत की शोभा उसके वैराग्य में है, उसकी तितिक्षा में, उसकी उपरामता में है, उसके त्याग वृत्ति में है। अफसोस है उन लोगों को कोई नहीं पूछता, उनको भिक्षा का अधिकार था। अब बहुत से ऐसे लोगों ने इन कपड़ों को पहन पहन के निकम्मे बन करके ये उन्होंने अपनी जीविका का साधन बना लिया और उन वास्तविक संतों को भी बदनाम कर दिया। करे तो ऐसे खाते पीते समाज के नालायक और निकम्मे लोग हैं, कुछ नहीं कर रहे। उन संतों का निश्चित ही योगदान है, वो ऐसे विरक्त और संत महान पुरुष हैं, उनका सदैव सबको सम्मान करना चाहिए। भारतवर्ष में बहुत बहुत अच्छे अच्छे संत हैं, बड़े वैराग्यशील, बड़े आदरणीय ईश्वर कोटि के संत हैं, शुद्ध संत हैं। उन्हें इनसे कोई इस इकट्ठा करने से क्या मतलब, और नया तमाशा, नए नए ट्रस्ट बना लिए, नए नए एनजीओ बना लिए लोगों ने, और नंबर एक को नंबर दो को नंबर में एक में करने का साधन कर लिया। दान लेंगे और उसमें से उसे आधा दे देंगे और उसको फर्जी दिखा देंगे, कंपनी विकास किया हमने, विकास किया हमने, कहा और फर्जी चल रहे। इसमें अधिकारियों की मिली भगत, उन नेताओं की मिली भगत, उन संतों की मिली भगत, राष्ट्र को धोखे में डाल रहे हैं। आप लोग गुरु ही बनाना चाहते हो तो पहले पर्याप्त अध्ययन करो। गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें, राम सुखदास जैसे महात्मा और बहुत से बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े त्यागी महापुरुष, हनुमान प्रसाद पोद्दार और बहुत बहुत महापुरुष हुए हैं, उनकी पुस्तकों का आप अध्ययन करें। आप तब जान पाएंगे कौन गुरु होने योग्य है और कौन गुरु योग्य नहीं है। अगर वास्तविक संत है तो वो गुरु बनना चाहेगा ही नहीं। गुरु बनने में शिष्य को अपनी तपस्या, अपने जप से 300,000 मंत्र और उपमंत्र का दान शिष्य को दिया जाता है। उस दान से उस शिष्य का अंतःकरण पवित्र होता है, ताकि उस मंत्र का प्रभाव उसके हृदय में काम कर सके और उसके उपदेश उसके हृदय में बैठ सके और उसका नव जीवन हो जाए, वो विरक्त हो जाए, वो उस आध्यात्म का अधिकारी बन जाए। कितने ऐसे लोग हैं, लोग गुरु दीक्षा नहीं जानते देना। बहुत से लोग तो संत जो प्रवचन कथावाचक गुरु बनने फिर रहे हैं, कथा पढ़ लिया, किताबों से पढ़ लिया, सुन लिया, किताबों से चोरी सी कर ली, सुन सुन के चटनी सी चाट ली, ओ बहुत बड़े बन रहे हैं वो महात्मा, बहुत बड़े कथावाच, बहुत गुरु बन रहे हैं और मंच से ही गुरु दीक्षा दे रहे हैं। हमने मंत्र बोल दिया, ओम नमः शिवाय कहो, ये गुरु मंत्र है, तुम सब हमारे शिष्य हो गए, गुरु दीक्षा चल रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय गुरु मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामराय विद्महे, सब गुरु मंत्र, सब शिष्य हो गए। ये कोई तमाशा है? गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं, गुरु ईश्वर से भी किन्हीं मामलों में श्रेष्ठ है। ईश्वर नाराज हो जाए तो गुरु शरण दे सकता है और गुरु नाराज हो जाए तो ईश्वर भी शरण नहीं देते, और ईश्वर को बिना गुरु के कोई प्राप्त कर नहीं सकता। जैसे ABCD का खा गा रहा है, इन्हें बिना कोई तुम्हें पढ़ाएगा नहीं तो तुम किताबें नहीं पढ़ सकते,
ऐसे ही गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र और कर्म कांड और नियम साधनाएं ये आपके अंतःकरण की शुद्धि के सोपान हैं, और शुद्ध अंतःकरण किए बिना आप इस आध्यात्म मार्ग में उन्नति नहीं कर सकते। लिहाजा गुरु तो वास्तव में आपकी आत्मा है, आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है, परमात्मा कोई आत्मा, आत्मा कोई परमात्मा कहते हैं, तो वो ही आपके गुरु हैं। लेकिन इस गुरु को जनाने के लिए गुरु की आवश्यकता है, उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। तो उसमें गुरु कैसा हो, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, विरक्त हो, निर्लोभी हो, निर्दोष हो, सबका हित चाहने वाला हो, सब में ईश्वर दर्शन करता हो, प्राणी मात्र की जो है के प्रति सद्भावना हो, प्रकृति के प्रति उसकी आस्था, इस क्लाइमेट को सुरक्षित रखने के लिए यह श्रेय से धर्म। गुरु आप धर्म के लिए बना रहे हो तो पहले ये समझो कि भाई गुरु हम धर्म के लिए बना रहे हैं, वो धर्म तो क्या है। यह श्रेय से धर्म जो निश्चित ही कल्याणकारक हो, ऐसा सब कार्य करो वो धर्म है। और जितना बड़ा आप कल्याणकारक कार्य करोगे उतना बड़े तुम धार्मिक हो। आप परिवार को पालो, आप अपने मोहल्ले को पालो, अपने समाज को पालो, आप प्रदेश को पालो, देश को पालो, विश्व को पालो, आप मानव जाति का कल्याण करो, आप सब जीव जंतुओं का कल्याण करो, आप इन पेड़ पौधों इन वनस्पतियों का कल्याण करो, आप पहाड़ नदी और क्लाइमेट प्रकृति का कल्याण करो। जितना बड़ा कल्याण तुम करोगे उतने बड़े धार्मिक हो। अब छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी कर्मकांड पर ही इसको तुम अध्यात्म और धर्म समझ लो, ये भूल है। इससे उठने के लिए भाई, जब आप ये मानते हो परमात्मा सब जगह है, सब में है, सर्वत्र है, हर समय है, कण कण में है, और इतना इतना घनीभूत है कि उसके अलावा कुछ है नहीं, वही सब कुछ है, तो जो सब कुछ है उसका कल्याण तुम करोगे तो तुम वो हो जाओगे, नहीं वो तुमसे प्रसन्न होगा कि नहीं होगा। तो जितना अधिक कल्याण करोगे उतने ही परमात्मा के समीपता ग्रहण करोगे। परमात्मा के समीप होना है उतना ही आप कल्याण करिए, समाज का, प्राणियों का, नेचर का, प्रकृति का, उतने ही बड़े आप धार्मिक हैं। तो इन सब बातों को जान करके आप गुरु का निर्धारण करना चाहिए। धन्यवाद।